नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, आज आपण देगलूर नाका परिसरातील मालटेकडी पुलाजवळ आलेलो आहे। या ठिकाणी महानगरपालिकेची 9 एकर गैरहजर जागा आहे, ज्याचे सर्वे नंबर 161 आहेत। या जागेवर हा राजकीय भूमाफियांचा यांच्यावर नजर होती, डोळा होता या जमिनीवर। आणि ते जमिनीचे नाव त्यांचा जे लागलं होतं, त्या मालकीचं नाव सामाजिक कार्यकर्ते मुशीबाई यांनी काढलं होतं नाव, आणि त्याचं नाव उडून गैरहजरचं नाव दिलं होतं। ज्या शासकीय जागा आहेत, शासकीय जागावर फ्लॉटिंगचं जे आज एक जोर धरत आहे, हा डंपिंग ग्राउंड आहे, कचरा आहे ते फेकलेला। हा कचऱ्याचं डंपिंग ग्राउंडवर कशा पद्धतीने 2 दिवसात जे जीबीची मीटिंग झालेली आहे, हा सभागृहामध्ये जीबीच्या मीटिंगमध्ये कचऱ्याचे 5 कोटी रुपये निधी आली आणि ते कुठं गेलेली आहे त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आपसामध्ये भांडणं करत आहे। हे जमीनवर गार्डन व्हावे या लोकांसाठी, आणि त्याच्यावर मुशीभाईनं हा त्यांच्या लोकांचे गार्डनसाठी त्यांचं भूमाफियांचे नाव काढलं। परंतु ते बातमीनंतर आज नांदेडमध्ये हा भूमाफिया पुन्हा याच्यावर डोळे टाकलेले आहे, ह्याच्यात भ्रष्टाचारसुद्धा झालेला आहे। आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता मुशीबाई आहे, त्यांच्याशी विचारणार आहे की ह्या जमीनचा काय वाद होता आणि कशा पद्धतीने हा जमीनचा नाव उडवण्यात आलं 7-12 वर आणि पुन्हा गैरा नाव लावला, आणि पुन्हा ह्याचं काय कोटेशन होता, किती लाख करोड रुपयांचा इथं निधी आली होती आणि ते कशाबद्दल आली होती। बदवेल इस कचरे के विषय पर एक आवाज़ उठाए, तो उस पर आपका क्या कहना? नहीं, जो कचरे फारूक बदवेल साहब ने जो आवाज़ उठाई कचरे के ऊपर, जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, 9 एकड़ 7 गुंटे ज़मीन है, यहाँ पर गार्डन बनना चाहिए था, क्यों काम लेट हो रहा बोल के उन्होंने जीबी में मुद्दा उठाया। बहुत अच्छा मुद्दा था ये, और मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि काम आवाज़ मुद्दा उठाएंगे तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। यहाँ पर 2008 के अंदर रिजर्वेशन हुआ कि ये ज़मीन यहाँ पर गार्डन बनेगा, मगर 2022 है आज तक यहाँ पर गार्डन नहीं बना। यहाँ पे जिस तरीके से कुछ भूमाफिया ने इसमें प्लॉटिंग डालने की इरादा कर दिए थे, और उसके लिए आपने पाठपुरा हुआ किया, और उसके बाद कहाँ तक गए, कोर्ट में तक गए क्या आप? क्या पाठपुरा क्या हुआ भूमाफिया? ये 2019 के अंदर हमें जैसा मालूम हुआ, यहाँ पर कुछ भूमाफिया यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे थे, कच्चा लेआउट भी बना दिए थे उन्होंने, बेचने का लोगों में ब्रोकरों के अंदर लेआउट फैला दिए थे, बेचना चालू कर दिए थे। तो हमें जैसा मालूम हुआ कि भाई ये नगर पालिका की जगह है, तो हमने पाठ पुरावा करे उसके अंदर 2019 के अंदर, उप विभागीय अधिकारी कलेक्टर साहब के पास तकरार करे, उसके अंदर हमारी हेयरिंग हुई, हेयरिंग के अंदर हमारे नोटिस आए, उसके बाद हमने जवाब दाखिल करे कि ये बोकस जो भूमाफिया लोगों ने बोकस डॉक्यूमेंट्स बना के 7-12 पे नाम लगाए, इसलिए हमने उसकी तकरार करके पाठ पुरावा करके जो भूमाफियों का 7-12 पे नाम चढ़ा था, तो वो नाम पूरा कम करे, उसका ख़त्म करे, वहाँ पर सरकारी गैरान बोल के ऐसा नाम चढ़ाए वहाँ पर। उसके बाद कोर्ट में भी ऐसा बताया, उसके बाद वो आदेश होने के बाद अपर जिलाधिकारी साहब के पास अपील करा आगे वाले ने, भूमाफिया ने, तो हमने उसके अंदर भी हमारा जवाब दाखिल करे अपर जिलाधिकारी के पास। जवाब दाखिल करने के बाद हमारे वैसा आदेश होने वाला था वहाँ पर, तो आगे वाले ने पिटीशन वहाँ से विड्रॉल कर लिया, तो कोर्ट फिर बाद में वहाँ से जाकर उन्हें कोर्ट में दाखिल करा। कोर्ट के अंदर हमने 110 का एप्लीकेशन लगाया, वहाँ पर 110 का एप्लीकेशन लगाया, और वहाँ पर हमारा इंशाल्लाह आने वाले दिन में हमारे थर्ड पार्टी बनाओ बोल के हम इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ पर। मुझे जिस तरीके से लोग जो है ऐसे बगैर देखे सोचे समझे कहीं प्लॉट ले लेते हैं, बड़ा अच्छी एरिया है, मौके का है, कुछ डिस्काउंट मिलता कुछ ऐसा, तो ये लोगों ने प्लॉट खरीदने से पहले क्या करना चाहिए, और जगहों का किस तरीके से मुआयना करके चौकसी करके लेना, तो उसका क्या तरीका रहता प्लॉटिंग खरीदने का? ये लोग जब प्लॉट लेते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, खसरा पत्र देखना चाहिए, उसका 1960 की 7-12 देखना चाहिए, 1953 में खसरा पत्र रहता, इनामी पत्रक देखना चाहिए, ये बहुत सारे चीज़ें रहते हैं जिसके अंदर लोग ये देखकर ही ज़मीन लेना चाहिए। जैसा खास इनामी ज़मीन है या कुड़ की ज़मीन है या सीलिंग एक्ट है, जिसके अंदर सरकार को 50% पैसे भरना, नजराना भरना पड़ता, उसके बाद ही प्लाटिंग निकाल सकते हैं। अगर वो क्षेत्र मालक ने परमिशन नहीं लिया तो उसके बाद जो प्लाट लेता है उसको 75% वैल्यूएशन के हिसाब से गवर्नमेंट को फीस भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को पैसे भरना पड़ता है, उसके बाद ही 7-12 पे नाम चढ़ता है। आज 7-12 पे एक रह रहा, लोग उसके अंदर फंस जा रहे, प्लाट ले ले रहे, फिर बाद में जैसा ही बाद में प्लाटिंग हो जाती है तो उसको भगवरदार 2 कर दे रहे तहसील ऑफिस वाले। तो ये जो लोग ले रहे हैं 1-1, 2-2 गुंटे, वो लोग फंस जा रहे हैं इसके अंदर। तो वो लोगों से भी अपील है कि भाई आप डॉक्यूमेंट देखिए, 1960 की 7-12 देखिए, खसरा पत्र देखिए, इनामी पत्रक देखिए, कोर्ट रजिस्टर देखिए, इसके बाद ही आप जमीन प्लाट ले, क्योंकि 25 लाख 50 लाख आज अपनी मेहनत की कमाई से प्लाट लेते हैं और उसके अंदर आप फंस जाते हैं। ये जो ज़मीन है जो सर्वे नंबर 161 है, 2008 के अंदर ही रिजर्वेशन होगा था यहाँ पर गार्डन बनेगा बोल के, आज 2008 से लेके 2022 आया,
2022 आ गया, अपन आज तक जो काम होना था यहाँ पर काम नहीं हुआ, कचरा भी नहीं उठाया यहाँ से। खाली बजट पास होने वाला है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके अंदर कचरा उठा के गार्डन का बाउंड्री वाल घेर के गार्डन का काम चालूंगा। उसके वास्ते बहुत बजट लगता है, अभी सिर्फ 5 करोड़ रुपए आए वाले, उसके अंदर काम नहीं होता। ये आप भी जिस तरीके से ज़मीन बचाने के लिए जो पाठपुरावा किए, कहीं धमकी वगैरह आए, कहीं राजकीय लोगों के फ़ोन वगैरह आए, कहीं हमला हुआ, उसके बावजूद आप लड़ रहे हैं, तो ऐसा भी है कि आगे इसके वास्ते पूरा साहब से मिलेंगे, अशोक चव्हाण साहब से मिलकर आप इसका पाठपुरावा करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द ये लोगों के लिए यहाँ पर गार्डन हो, इनको लोगों के लिए यहाँ परिवर्तन हो और प्लाटों वालों का भी भला हो। अशोक राव साहब को हम मिलकर निवेदन भी देंगे, इससे पहले भी हमने निवेदन दिए नगर पालिका में और नगर विकास को कि यहाँ पर गार्डन बनाया जाए। यहाँ पर ज़मीन खुली रहने की वजह से लोगों की भूमाफिया की इसके ऊपर नज़र है और मौके की ज़मीन है, मार्केट वैल्यूएशन 50 करोड़ रुपए का है यहाँ पर, और लोग इसके अंदर इलीगल प्लाटिंग करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुली जगह रही तो लोगों की नज़र रहती है इसके अंदर, भूमाफिया हावी हो जाता है इसके ऊपर, बोकस डॉक्यूमेंट बनाता है तो बोकस डॉक्यूमेंट बना के नामों पे लगा देते। इतना बड़ा मैटर हुआ, ये बहुत बड़ा मैटर था, मगर हमारे यहाँ के उप विभागीय अधिकारी साहब पठान साहब और अपर जिलाधिकारी साहब परदेसी साहब ने इन्होंने बहुत अच्छी चौकसी करके कार्रवाई करे और उसका 7-12 पैसे आज नाम उड़ा दिए और उसका मालकी में से नाम उड़ा के सरकारी गहरान का नाम लगाया वहाँ पर। ये जब ज़मीन रहती तो इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, राजकीय लोग इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो मिलजुल कर ये प्लाटिंग करके बेचते हैं। ये उसके अंदर फिर अपील करने वाला ही कोई नहीं रहता बचे वाला, तो इसलिए वो उनके कोर्ट के अंदर उनके वैसे ऑर्डर हो जाते हैं। इसके अंदर हम पाठ पुरावा कर रहे हैं, बोल के आज तक वो ज़मीन बची नहीं, तो अभी तक उसके अंदर इनके ऑर्डर आगे वाले भूमाफिया लोगों के ऑर्डर हो जाते थे कि इनकी ज़मीन है बोल के, क्योंकि हमने उसके अंदर पाठ पुरावा करे, तो इसलिए ये आज तक ज़मीन बचे वाली है। उसमें जिस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी भी बड़ी है और जानवरों का भी बहुत संचार है, बड़े गुर्जर डुकर जो है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए महापालिका ने। तो महापालिका ये मसला यहाँ से जो ये कचरा उठ जाएगा तो ये जनवरा भी चल जाएंगे और जनवरा उठाने के लिए नगर पालिका टेंडर निकालना चाहिए और यहाँ पे जनवर उठा के इसको ख़त्म करना चाहिए जनवरा को, तो यहाँ से जनवरा ख़त्म होंगे। हे होते अपने सोबत सामाजिक कार्यकर्ता मुशी भाई यानी अनेक वेळ जे आहेत ह्याचा पाठपुरावा केलेला आहे। 161.9 एकर 7 गुंठे हे जागा आहेत, गैरान जागा आहे ये, परंतु याच्यावर भूमाफियांची नजर होती आणि भूमाफिया यांना हडप करण्यासाठी प्रयत्न करत होते, त्यांच्या प्रयत्नाला उद्ध्वस्त केलेला आहे मुशी भाईनं। आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता की हा सुवरांचा संचार कशा पद्धतीने, जरच लोकप्रतिनिधींना इथला विकास करायचा असतील तर इथं गार्डन लवकरात लवकर व्हावे, आणि हा डुकरांचा जे संचार जे झालेला आहे हा नेहमी कारवाई केले जातात, परंतु हे नगरसेवकांनी ह्याच्याकडे लक्ष देत नाही। हा डुकरमुळं लोक खूप परेशान आहेत आणि देगलूर नाक्यात सर्वात जास्त हा डुकरांचा संचार झालेला आहे। या आपण पाहू शकतात की हा डम्पिंगचा गिरो नाही, इथे गार्डन व्हावे, गार्डन झालं तर इथं चांगला होईल, आणि पाण्याची गरज आहे की इथं होणार का गार्डन आणि ह्याला कामाला गती मिळणार का हे पाहण्याची गरज आहे। नांदेडहून मी शेख आहे, माझा महाराष्ट्र।